केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस महीने में तीसरी बार आज फिर मध्य प्रदेश प्रवास के तहत इंदौर जाएंगे। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व इसके पहले अमित शाह इसी महीने दो बार भोपाल आ चुके हैं। इसी क्रम में उन्हें आज भी पहले भोपाल और बाद में इंदौर आना था, लेकिन समय पर उनका भोपाल का दौरा निरस्त हो गया। वे लगभग 7 घंटे मध्य प्रदेश में रहेंगे और इस दौरान भगवान परशुराम की जन्मस्थली चंपान भी जाएंगे। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अमित शाह आज यहां बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 1:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। यहाँ से वे जानापाव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली में दर्शन एवं पूजन करेंगे। दोपहर 3 बजे अमित शाह इंदौर में मां कनक देवी मंदिर ITI के पास आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे शाम 5 बजे स्थानीय होटल मैरियट में बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे लगभग 8:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आगामी नवंबर में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व अमित शाह लगातार प्रदेश के प्रवास कर रहे हैं। इस बार एक ही सप्ताह में दूसरी बार उनका प्रदेश प्रवास होने से इन अटकलों को लगातार बल मिल रहा है कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत हद तक अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने इस सप्ताह बुधवार को ही राजधानी भोपाल पहुंचकर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ कई घंटों तक की बैठक की थी। इस प्रवास के बाद वे गुरुवार को ही दिल्ली लौटे थे।